जय नारायण जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लखदीश सिंह जाडेजा है। कहाँ से हैं आप? गुजरात। आपके चारों हाथ पैर कैसे चले गए, क्या दुर्घटना हुई बताइए। ओ बिजली करंट से। हमारे यहाँ गुजरात में, मैं राजकोट में रहता हूँ, हाँ। वहाँ देवी का उत्सव था तो हम हाँ। नीम के पेड़ पे चढ़े थे दो आदमी देवी का झंडा लगाने के लिए। अच्छा। फिर बाद में स्टील का पाइप था वो हवा के झोंके से झुक गया तो बगल में 11 kV लाइन था तो 5-6 फुट दूर से खींच लिया पाइप को। फिर हम बहुत देर तक चिपके रहे, बाद में मैं बेहोश हो गया। 20 दिन के बाद होश आया तो चारों कटे हुए थे। अभी 10 महीना हुआ है मेरा, 25 दिन होया, 20 दिन से मेरा प्रैक्टिस चालू है। अभी तो मैं अपने दोनों पांव से बैसाखी के सहारा चल सकता हूँ। तो आप जब देवी माँ का झंडा लगा रहे थे वृक्ष के ऊपर, हाँ, तो जो 11 kV की लाइन थी वो आपसे कितनी दूर थी? वो तो करीब हमसे 10-15 फुट दूर थी। तो उसने कैसे खींच लिया? वो क्या, हमारा जो हाथ में जो पाइप था ना, कौन सा पाइप? स्टील का पाइप था आपके साथ? अच्छा, जिस पे झंडा लगा हुआ था। हाँ, झंडा लगाया था, वो स्टील का पाइप था। हम ऊपर ऊपर चढ़े, वो 20 फुट लंबी थी पाइप। अच्छा। वो तो हम इसे ऊंचे करते गए करते गए तो फिर हवा का झोंका या पतली सी पाइप थी इसलिए वो थोड़ा झुका पाइप। तो आपके हाथ में ही था वो पाइप? नहीं, हम दो बंदे थे, दोनों के हाथ में था। तो उनको भी इतनी ही लगी? नहीं, वो तो वहीं पे डेट हो गया। डेथ हो गई उनकी? डेट हो गया। हम दो थे, दो में से एक डेट हो गया और मेरा ये हाल हो गया। तो आप उसी समय बेहोश हो गए? हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं था। हम बहुत देर तक चिपके रहे, फिर बाद में चिपके किसके साथ रहे? 11 kV के लाइन के साथ? कहाँ, ऊपर? नहीं, या हम नीम के पेड़ पे ही थे। नीम के पेड़ पे हमारा हाथ में जो पाइप था ना, हाँ, वो पाइप 11 kV से टच हो गया। हाँ। और उस पावर और नीम का पेड़ हरा था इसलिए अर्थिंग दोनों मिल गए, इसलिए हम पेड़ पे ही चिपके रहे। अच्छा। हम बहुत बार देखा लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से। अच्छा। फिर बाद में सोचे कि अब नहीं, जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। फिर भगवान का नाम लिया, भोलेनाथ का, और आँख बंद कर दी। जब आँख खुली तो 20 दिन बीत गए थे। बेहोश हो गए 20 दिन बाद होश आया आपको? हाँ, 20 दिन के बाद हो सर। और आपको उस समय दर्द हुआ या दर्द का एहसास नहीं हुआ? नहीं, दर्द और एहसास ऐसा मेरे को कुछ नहीं हुआ कि मेरे कट गए। देखा, ये दोनों का हाथ कट गए, कोई बात नहीं, कट गया तो भले कट गया, उससे कोई टेंशन नहीं लेने का। मैंने 20 साल में इतना काम किया तो भगवान ने मेरे को आराम दे दिया, पूरा रिटायर कर दिया। अब तू पूरी जिंदगी आराम कर, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे सोच रहा था, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। अगर हम सोचते हैं कि ये हुआ, नहीं, वो करता है, वो अपने लिए अच्छा करता है। वरना तो मैं पूरी ज़िंदगी काम करते करते ही मर जाता, पता नहीं चलता है कि भगवान क्या चीज़ है क्या नहीं। ये जब हुआ 10 महीने तक, 8 महीने तक तो मेरे को ऐसा लगा मैं क्या करूँ, एक दो बार रोने लगा। फिर उस बाद में मेरे को ज्ञान तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत समझ आया। उस टाइम में मैंने एक बार गीता जी पढ़ी, एक बार रामायण पढ़ी, एक बार शिव पुराण पढ़ा और एक बार देवी भागवत पढ़ा। उस टाइम में पढ़ा तो थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि ये जो करने वाला वो भगवान खुद है, हम तो मात्र निमित्त है। आप कमाल करते हो भाई। तो मेरा कुछ कमाल नहीं, मेरे प्रभु की इच्छा है वो होता है। मैं तो अपने हिसाब से बोल भी नहीं पाता हूँ। आपका जो बायां पैर है वो घुटनों के ऊपर तक कट गया है? हाँ, ये घुटनों से ऊपर है बायां, और राइट है वो घुटनों से नीचे है। घुटनों से नीचे तक? अच्छा। ये हाथ जो दिख रहा है लेफ्ट, ये पूरा ऊपर तक कटा हुआ है? हाँ, वो भी घुटनों से ऊपर है, कोहनी से ऊपर तक है। हाँ, कोहनी से ऊपर है और ये कोहनी से नीचे है। अच्छा। ज्यादा तकलीफ आपके बाएं भाग में ज्यादा लगा है, दाएं में कम लगा है? दाएं में कम। अच्छा। तो आप जब आपको लगा 20 दिन बाद कि मेरे चारों हाथ पैर नहीं है, तो निराशा, वेदना, तकलीफ, कष्ट, दुख, ये सब हुआ होगा ना? हाँ, वो थोड़ा दर्द होता था। वो जब सांप लोग ड्रेसिंग करते थे ना, ड्रेसिंग करने के बाद थोड़ा दर्द होता है, बाकी तो मेरे को कुछ नहीं होता था। नहीं, मन में तो निराशा के भाव आए होंगे? नहीं नहीं मन पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं आए? नहीं नहीं 20 दिन मेरे को 5-6-7 महीने तक मेरे को ऐसा कुछ लगा ही नहीं। कट गया तो ये कट गया, ये होगा ये होगा, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दिल से मेरे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा कट गया, अब मैं क्या करूँगा क्या करूँगा। चलो, कट गया तो कट गया, आगे होगा तो अच्छा ही होगा।
बुरा तो होगा ही नहीं। कभी ऐसा भाव नहीं आया, निराशा दुख ऐसा कभी नहीं आया? नहीं नहीं मेरे को नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं नहीं यार, ये संत महात्मा से भी आगे बढ़ गए हैं। जब आप इलाज करा रहे थे तभी आपने ये ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, रामायण महाभारत? उससे पहले मैं एक बार रामायण पढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ पाया था। मेरे फैमिली की जिम्मेदारी मेरे पे थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया। ये मेरे पीछे खड़ी है मेरी वाइफ है। अच्छा भाभी जी आइए पास आइए। उसका भी 5 साल पहले गले का 2 बार ऑपरेशन करवाया, इसको गले में कैंसर था। ओहो, इसलिए पूरा परिवार पहले से ऐसे, हमारे पे थोड़ी थोड़ी तकलीफ आती है तो हम इतने मजबूत हो गए कि यह तकलीफ तो हमको बहुत छोटी लग रही है। भाई साहब कहना आसान है लेकिन आपने तो अपने जीवन में इसको उतारा, इस ज्ञान को। ये ज्ञान पानी भरने चला जाता है जब अपने ऊपर आती है। जो ज्ञान आचरण में ना हो वो ज्ञान किसी 2 कौड़ी का है, लेकिन आपने ज्ञान को अपने अंदर कैसे उतार लिया भाई, आप तो बहुत विशेष हो यार। आप, मैं जो सुनना चाहता था, मेरे कान आज तृप्त हो गए आपकी बातें सुन के, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। नहीं सर, आपके भाव इतने कष्ट पाने के बाद भी जो इतने जीवन के प्रति आशान्वित हो, परमात्मा के प्रति इतनी भक्ति हो, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आस्थावान लोगों को नास्तिक होते हुए देखा है। पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, गीता फेंक दी, रामायण से कोसों दूर हो गए, मंदिर जाना बंद कर दिया, भगवान के प्रति रोष और क्रोध आने लगा, किसी का पैर हाथ चला गया तो जीवन भर कष्ट दुख पीड़ा सहते रहे मन से हृदय से, और इस प्रकार की अवस्था में आ गए कि जीते जी मर गए, वो वैसा जीवित लाश हो गए। आपके मन में ऐसे भाव नहीं आए? ये सैल्यूट टू यू। मैं यहाँ 22 दिन पहले आया, 25 दिन पहले आया, 3-4 दिन के मेरा नाप लिया पाँव का हाथ का, फिर एक बार मैं लाइव में आया था। मेरा 95% तो मेरा कॉन्फिडेंस था ही, लेकिन मैंने आपसे मुँह से जो भगवान का नाम सुना, जो वाणी सुने ना, वो मेरे दिल को चीर के पार हो गई, इसलिए मेरा जो हौसला है ना वो 110% हो गया। अच्छा, कभी कभार मेरा दिमाग थोड़ा गर्म मिजाज है, हाँ, तो मैं घर पे भी गर्मी हो जाता हूँ, कहीं किसी पे भी गर्मी हो जाता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ आके एक देखा, अगर कोई बोल रहा है भगवान को देखना है तो आप तुरंत नारायण सेवा संस्था में चले जाओ, या हर आदमी हर बंदे में आपको भगवान श्री नारायण या श्री कृष्ण ही दिखाई देंगे। कोई भी मुसीबत हो किसी को बोलो, मुंह से स्माइली टपकती है, कोई कभी गुस्सा नहीं करता। आज मेरा यहाँ 25 दिन हो गया, मैंने आज तक किसी को ऐसा नहीं देखा कि कोई गर्मी पकड़ लिया। एक बार बोला, 10 बार बोलो, फिर स्माइली देता है। मेरा नारायण सेवा संस्था का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके उत्साह को, आपके जीवन के प्रति आपके भाव को, आपके उच्च स्तर के विचारों को देखकर, सुनकर और आपकी स्थिति को देखकर मुझे प्रतीत होता है कि जो किताबों में लिखा है वो सब हम हाथ पांव नाक कान जो अंग प्रत्यंग हम लेकर बड़े हुए उसे देखकर हम शायद कुछ सीख पाएं या नहीं सीख पाएं, लेकिन उन किताबों का पूरा निचोड़ मर्म इन्होंने अपने अंदर आसानी से उतार लिया है। बहुत मुश्किल होता है, कहते हैं ना, अपनी प्यास लगी तो सोचा है मुझ पर अन्याय बड़ा, पर मुड़कर देखा तो था भूखा भी व्यक्ति खड़ा। जब अपने ऊपर बीतती है वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर न फटी बिवाई। जब अपने ऊपर बीतती है तो पता लगता है कि वास्तविकता में ज्ञान कहाँ है। ये ज्ञान इस प्रकार से, इनको देखता हूँ और मेरे पिता को देखता हूँ तो कोई दोनों में अंतर मुझे दिख नहीं रहा। आज से 13 साल पहले मेरा एक लड़का था, हम अहमदाबाद अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया, और 1 महीना 10 दिन के बाद शाम को 5 बजे डॉक्टर बोला, मेरे को बोला आपका लड़का सीरियस है। मैंने उसे वही जवाब दिया, सर आपने अभी तक जितना मेहनत किया उसके लिए थैंक्स, आगे हो सके उतना हेल्प कीजिए उसके लिए धन्यवाद। तो वो साहब बोले, उसने दोनों डॉक्टर ने मिलकर मेरे को गले से लगा लिया, बोला हमारी करियर में आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा कि हम किसी को बोलते कि आपका जो पेशेंट है, आपका पापा या लड़का है, वो अभी डेथ होने वाला है, ऐसा सीरियस कंडीशन बोलते हैं तो कोई गिरेबान पकड़ रहा है, कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, लेकिन आपने तो ऐसा बोल दिया कि हमारा दिल जीत लिया। बोला आपका लड़का नहीं, यह लड़का हमारा है। फिर वो आधे घंटे के बाद बोला, आई एम सॉरी। मैं बोला कोई बात नहीं,
चला गया, फिर वो लड़का गुजर गया। ओहो, फिर भी मेरे को दिक्कत नहीं है, वो घर गुजर गया तो ये अभी इसको मैं नहीं बताया, 5:30 बजे गुजर गया, मैं रात को 9 बजे इसको बताया चलो राजकोट जाना है, तो बोला क्या, बोला मेरा काना गुजर गया, मैं बोला नहीं यहाँ नहीं रोते, फिर ये तो रोने लगी, मैं बोला रोते नहीं, फिर इसको समझाया, फिर नहीं समझी तो मैंने डांट दिया अगर चुप हो जा वरना एक चाटा लगा दूंगा। फिर इसको बिठा दिया गाड़ी में और उसके बच्चे को गोद में दिया, ये रोने लगी। फिर भी मैं आँख से एक भी आंसू नहीं आए, नहीं आए, नहीं एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? और मेरे नहीं, जो मेरा नहीं था तो मेरे पास काहे रहेगा, परमात्मा ना था उसने दिया फिर उसने ले लिया, तो हमारा कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? अगर ये शरीर छोड़ दो, जैसा हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, इसके अंदर भगवान है, वो भगवान भी ये कपड़े छोड़ के दूसरे कपड़े धारण करें, मानो ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर पे जाते हैं, हमारा कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, तू क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, तेरा क्या है आज, कल किसी और का था आज तेरा है, कल किसी और का हो जाएगा, कल किसी और का होगा, कोई बात सही है, हम यही सोचते हैं। ये तो मेरे जीवन की पहली अभूतपूर्व घटना है आज के दिन की, मैं जीवन भर आपको भूल नहीं पाऊंगा, और ऐसा मजबूत गीता ज्ञान को जीवन में उतारने वाला व्यक्ति मैंने देखा नहीं, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी आंखें और पवित्र हो रही है। धन्यवाद भैया।